बज बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है MI Preferred Partner, Teens Gallery, Shop नंबर 3, SQS Aspire, गढ़ रोड, मेरठ। देलीगेट थाना क्षेत्र में पुलिस की वर्दी में ठगी करने आए दो युवकों को सराफा व्यापारियों ने दबोच लिया और उनकी जमकर पिटाई की। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना का जायजा लिया। व्यापारियों का कहना है कि अभी पहले हुई ठगी की घटनाओं का भी खुलासा नहीं हुआ है, इसी कारण से सभी व्यापारी रोज अधिकारियों का घेराव कर रहे हैं और उनका कहना है कि पुलिस पहले हुई ठगी का भी खुलासा नहीं कर पाई। इसको लेकर व्यापारियों में काफी आक्रोश है। एक्चुअली क्या है कि आज सुबह सुबह जब बाजार खुल रहे थे तो दो लोग मोटरसाइकिल पर उधर आए और पुलिस के जो वहाँ मौजूद पिकेट है लगातार, उनमें से किसी व्यक्ति ने उन्हें पहचाना कि ये बिना नंबर की मोटरसाइकिल के पुलिस की वर्दी में है, लग रहा है कि ये वही लोग हैं। उन्होंने जैसी उनको आवाज़ दी वो एकदम वापस मुड़ लिए, घबरा गए और जैसे ही वो भागे वहाँ स्लिप होकर गिर पड़े। फिर व्यापारियों और पुलिस ने सामने मिलकर उसे भीड़ ने थाम लिया। तो इसमें कुछ किसी के साथ में ठगी वगैरह भी करी उन लोगों ने? आज ये इसी उससे आए थे, इसी इरादे से आए और उसी से लगता है कि आज घटना के एक कड़ी और जुड़ने वाली थी, लेकिन सतर्कता के साथ व्यापारियों की और पुलिस की सतर्कता से ये सब रुक गया है। पुलिस की वर्दी पहन रखी थी उन लोगों ने? हाँ, पुलिस की वर्दी में। सर, मैं अपने सराफा पॉइंट सराफा मोड़ पर बैठा हुआ था पिकेट पर। मेरे को जो है कुलदीप भाई, इनका फ़ोन आया वैली बाज़ार से कि आशु ऐसे ऐसे एक बाइक पे दो पुलिस वाले आ रहे हैं, मुझे उन पर शख्स है, तुम एक मिनट चेक कर लो। ठीक है, मैं उनको चेक करने के लिए उठा तो वो जो है सराफे मोड़ में अंदर चले गए मार्केट में सराफे में। और मैंने अगली पॉइंट को सूचित किया, मैंने आगे तुम्हारे पास दो जने आ रहे हैं, इनको जो है कुछ चेकअप कर लो इनका। लेकिन इन लोगों को डाउट हो चुका था, ये लोग बैक करके गाड़ी को मेरी तरफ ही ले आए और मैं ऑलमोस्ट उनका पीछा तब से ही कर रहा था जब ये मेरे आगे से निकले थे। तो ये अपनी फुल स्पीड बाइक को मेरे आगे लेके आने लगे और थोड़ा डरा, भयंकर सा रूप बना के जब डराते हैं कि हाँ डरा जाएगा तो हट जाएगा, लेकिन फिर भी वही है। मैं इनके आगे आ गया, मैंने इनके बट मारी और ये उधर एक तरफ मैं गिर गया और एक तरफ ये लोग गिर गए। जी जी। तो इनके क्या पोस्टर वगैरह भी लगे हुए हैं? जी, इनके पोस्टर पूरे सराफे में लगे हुए हैं, घंटाघर वगैरह, रेलवे स्टेशन वगैरह सब जगह लगे हुए हैं इनके पोस्टर। ये वर्दी में ही ठगी करते हैं और काफ़ी टाइम से हमारे वांटेड में भी चल रहे हैं ये लोग। ये मेरठ में पिछले कुछ समय से कुछ गैंग सक्रिय थे जिसमें पहले भी कुछ लोगों को जेल भेजा गया था जिन्होंने कई सारी घटनाएं की थी। उसी के क्रम में एक गैंग जिसने GRP और और जगहों पर घटना की थी, इसकी सूचना पर सराफा व्यापारियों में अलग से पुलिस फोर्स तैनात की गई थी और पिकट लगाया गया था। आज दो लोग बाइक से खाकी पैंट और जैकेट में पहुँचे और उसको देख कर वहाँ पिकट पर तैनात कांस्टेबल आशु दिवाकर है जिसको कुछ डाउट हुआ और इसने आगे पिकट वालों को फ़ोन किया। जब इन्हें लगा कि आगे ये फ़ोन कर रहा हम पकड़े जा सकते हैं तो बाइक से ये तेज़ी से आशु दिवाकर कांस्टेबल की तरफ बढ़े। उसने इंसास की बट लगाया, इनको बट लगाकर जिससे बाइक से ये गिरे और भागकर मंदिर में गए जहां पर अन्य व्यापारी लोग और पुलिस की मदद से इन दोनों लोगों को पकड़ा गया है। अभी इनके द्वारा पूछताछ में बताया जा रहा है कि हम लोग फरुखाबाद के हैं, चश्मे और नक का कारोबार करते हैं। फरुखाबाद पुलिस को सूचना दे दी गई है, उनका डिटेल मंगाया जा रहा है, बाकी पूछताछ करके अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। कांस्टेबल आशु दिवाकर को 5,000 रुपये का नगद पुरस्कार मेरी तरफ से दिया गया है और DGP सर के यहाँ से कमेंडेशन डिस्क के लिए रिकमेंडेशन भेजा जा रहा है। इस खबर में बस इतना ही, तब तक बने रहिए firstbite.tv के साथ।